नमस्कार दोस्तों, मैं आराधना और मेरे परिवार चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत टेस्टी सर्दी का मिठाई। दाल बना के देखिएगा। चलो चलते हैं मिठाई बनाने। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। ये गुजिया देखिए, इसके लिए हमने ये चना की दाल फुला के 4-5 घंटा फुला के उसके बाद उबाल के ऐसे रख ली हूँ और मिक्सी में इसको पीस लूँगी। इसको मिक्सी में पीस के इसको दरदरा पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट इधर पेस्ट बन गया और इधर चीनी चीनी कढ़ाई में डाल के ये पेस्ट बन गया है। चीनी कढ़ाई में डाल के इसको मेल्ट होने तक इसको चलाते रहूँगी। जब तक मेल्ट ना हो इस तरह चलाते हुए देखो, अब मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये जब मेल्ट होने लगेगा ऐसे कलर चेंज होते जाएगा और ये जब पिघल जाएगा, चीनी देखो पिघल गया है, मेल्ट हो गया है। इस प्रोसेस में मैं डाल दूँगी ये जो चना के दाल उबाल के पीस के रखी हूँ, इसको डाल दूँगी। डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इसको। अच्छी तरह से मिक्स हो गया, सूख गया थोड़ा थोड़ा, ये फिर निकाल लूँगी। हल्का सा मतलब हल्का सा मॉइस्चर उसमें रहेगा, एकदम मिक्स कर लें। ये चावल का आटा है और चावल के आटा को मैंने गर्म पानी से धीरे धीरे पानी डालते हुए मिलाते हुए इसको वो लगा लूँगी। ये चावल का आटा मैंने लगा लिया है इस तरह से। ये देखो इस तरह से हो गया है और ये जल्दी जल्दी मतलब करना पड़ेगा, ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत आएगा। इसको इस तरह से गोला बना के, और दोस्तों अभी मैं रोटी बनाई थी इसी बेलन से, तो इस तरह से गोला बना के इसको इस तरह से बेल लूँगी। इस तरह से बेल के देखो, एक थोड़ा ज़्यादा ना मोटा ना पतला, इस तरह से बेलना है। ये फट-फट रहा है इसीलिए बेलने के बाद, ये कोई ग्लास हो उसी के साइज के, ग्लास हो कटोरी हो या कटर हो, मैंने ग्लास से काट रही हूँ। काट के और एक्स्ट्रा जो आटा है उसको निकाल लूँगी। ये दोबारा से जो है वो करके कर दूँगी, इसको फेंकना नहीं है। दोबारा से अच्छे से गोला बना के और फिर बेलूँगी इसको भी। ये इस तरह से छोटा छोटा गोला हो गया है। अब इस गोला में ये चावल का जो बनाई हूँ चीनी से, ऐसे रख के एक गोला के ऊपर रख के दूसरा गोला रख के ऐसे दबा दबा के मुँह इसको बंद कर दूँगी अच्छी तरह से चारों साइड से। इस तरह से बंद करने के बाद इसको थोड़ा डिजाइन बना लूँगी। अच्छी तरह से बंद करना है, थोड़ा पानी दे के और इस तरह से मैंने इसको डिजाइन बना लूँगी। देखो इस तरह से दो उंगली के सहारा से ऐसे ऐसे दबा दबा के ऐसे डिजाइन बन गया। ये देखो कितना अच्छा डिजाइन बन गया। अब इसी तरह मैं सहारा को बना लूँगी इसमें, और दूसरा डिजाइन मैंने बना सकते हैं आप ऐसे ही, एक रख के उसके ऊपर थोड़ा चना के दाल जो पिसा हुआ है चीनी मिला के, इसमें गोल मिर्च के पाउडर भी मिला सकते हैं आप, उसका इलायची पाउडर, गोल मिर्च पाउडर। और इस तरह से बंद करते हुए दबा दबा के अच्छी तरह से दबा दबा के मुंह बंद करना है। ऐसे बंद करते हुए इसको एक डिज़ाइन तो ऐसे दो उंगली के सहारे से दबा दबा के और इसको ऐसे मोड़ मोड़ के, देखो दोस्तों ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के इसको अच्छी तरह से अंगूठा से मोड़ मोड़ के इसको दबाना है। दबा दबा के ये एक दूसरा डिजाइन हो जाएगा। देखो कितना अच्छा डिजाइन बन गया। ये देखो इस तरह से डिजाइन बना बना के मैंने सारा को रख लूँगी।
देखो दोस्तों सारा रख लिया। उसके बाद तेल कढ़ाई में तेल डाल के तेल गरम करके उसके बाद डालना है मीडियम आंच से। ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम आंच से तेल इसको धीमी धीमी आंच में फ्राई करना है। जब फ्राई लाल हो जाएगा तो इसको निकाल दीजिए। इसको निकालने के बाद ऐसे भी खा सकते हैं, और चीनी के चाशनी बना के उसमें भी डुबा के आप खा सकते हैं। ऐसे सूखा भी अच्छा लगेगा, हम लोग तो सूखा ही खाएंगे। दोस्तों इस तरह कितना अच्छा सा बन गया, देखो बहुत टेस्टी लग